महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी निजी लैब में कोरोना टेस्ट का चार्ज 2200 रुपए करने के संबंध में शिवसेना ने जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। शिवसेना मुरादाबाद इकाई सरकार के संज्ञान में ये बात लाना चाहती है कि पूरा विश्व आज कोरोना महामारी की दहशत में है, वहीं कुछ निजी व्यवसाय में मुख्य रूप से कोरोना टेस्ट की निजी लैब भी आती है, जो कि कोरोना टेस्ट का चार्ज 4500 से लेकर 5000 तक ले रहे हैं। इसका संज्ञान लेकर महाराष्ट्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि महाराष्ट्र में कोई भी निजी लैब कोरोना टेस्ट के लिए 2200 रुपए से ऊपर फीस नहीं लेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी निजी लैब कोरोना टेस्ट के नाम पर 4500 से 5500 रुपए वसूल रही है, जिससे कोरोना महामारी में जनता पर आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इसलिए शिवसेना की मुरादाबाद इकाई ज्ञापन के माध्यम से ये मांग करती है कि महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी कोरोना टेस्ट की दरों में छूट दी जाए, नहीं तो निजी व्यवसाय में आने वाली लैब गरीब लोगों का इसी प्रकार से उत्पीड़न करती रहेगी। सरकार को चाहिए कि कड़े एवं सख्त नियमों से इन लैब के संचालकों पर अंकुश लगाएं, ताकि ये किसी प्रकार की मनमानी ना कर सके। मुख्य रूप से आपने देखा पूरे देश के अंदर महामारी है, ये कोरोना को पूरा विश्व जिससे हाहाकार मच रही है, इसमें आम आदमी तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए शिवसेना ने सबसे पहले महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह से कोरोना आया, तो जो पूरे वर्ल्ड के हमारे उत्तर प्रदेश में 4500 रुपये जो टेस्ट के लिए जा रहे हैं कोरोना टेस्ट के, उसी टेस्ट वहाँ पर 2200 रुपये में टेस्ट जो है कोरोना का महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और महाराष्ट्र सरकार ने भी 85 एम्बुलेंस भी महानगर पालिका के द्वारा शिवसेना के द्वारा दिए, और निजी अस्पतालों के अलावा आप लोग देख रहे हो जैसे तरह से बिस्तरों की और इसकी व्यवस्थाएं हैं, हमने सबको देखते हुए हम लोगों ने यहाँ मांग करी है माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक ज्ञापन देने जा रहे हैं कि यहाँ कोरोना की टेस्ट जो है उसके रेट 4500 रुपये के जगह 2200 रुपये जब महाराष्ट्र सरकार कर सकती है, तो यहाँ भी 2200 रुपये होने चाहिए। जो अव्यवस्थाएँ थोड़ी सी फैलती हुई दिख रही हैं, हम लोग धन्यवाद भी देते हैं जो डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो निजी अस्पतालों में दिक्कतें आ रही हैं, जिस तरह से बिल की परेशानी आ रही है, जैसे दिल्ली के लिए भी सुप्रीम हाई कोर्ट से भी निर्देश जारी हुए, सरकार ने निर्देश जारी करे कि इससे ज़्यादा पैसे आप नहीं लेंगे। अभी आप लोग समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से ये बात आई है कि इतने ही पैसे प्राइवेट नर्सिंग होम में, उसी तरह की मांग हम लोग कर रहे हैं कि प्राइवेट नर्स जब किसी के तकलीफ हो जाती है तो उस समय प्राइवेट नर्सिंग होम में पैसों की जो वसूली जो लिए जा रहे हैं उनको ध्यान रख के कमेटी घोषित बनाई जाए हर जगह कि कितने पैसे लिए जा रहे हैं, कैसे करा जा रहा है, क्योंकि आर्थिक रूप से पूरा देश कमजोर है, हर आदमी के साथ स्थिति बहुत खराब है। तो उन्हीं सब मांगों को लेकर के कि एक तो निजी अस्पतालों में जहाँ कोरोना का वो हो रहा उस पर एक तो 2200 रुपये के टेस्ट की मांग, दूसरा अस्पतालों में जो व्यवस्था उसको देखा जाए, तीसरा जो एक जो धनराशि की वाली स्थिति है उस पर सरकार पूरा संज्ञान लेकर के उस पर गाइडलाइन जारी करे कि इससे अधिक पैसे न वसूले जाए। इन्हीं बातों को लेते हुए हम एक ज्ञापन दे रहे हैं।